विपक्ष कह रहा है कि 30 साल का रिकॉर्ड महंगाई पर टूटा है, अब कदम सरकार उठा रही है और इसी दिशा में कई कदम यहां उठाए गए। महंगाई से राहत का क्या प्लान दिख रहा है सरकार का? में बड़ी खबर, गेहूं चीनी के बाद चावल पर बैन लग सकता है। केंद्र की मोदी सरकार जल्द इस बाबत फैसला ले सकती है। चावल के एक्सपोर्ट पर सरकार बैन लगा सकती है। चीनी पर सिर्फ 20 लाख मैट्रिक टन चीनी निर्यात होगा, यानी सब अब जो फैसला आया वो चीनी को लेकर 31 अक्टूबर तक इस पर पाबंदी लगा दी गई है निर्यात पर। साथ ही साथ व्यापार निदेशालय की इस पे मंजूरी जरूरी है। वहीं तेल को लेकर सूरजमुखी और सोयाबीन तेल में राहत मिली, कस्टम ड्यूटी को किया गया है जीरो, 2 साल तक रियायत ये जारी रहेगी। वहीं गेहूं पर भी आपको बता दें, इससे पहले जो फैसला लिया गया था निर्यात पर रोक का, वहीं आटे की बढ़ती कीमत पर भी इससे काबू होगा। पीडीएस योजनाओं के लिए ये स्टॉक जोड़ने की बात यहां सरकार की तरफ से रही है और इसीलिए ये कदम उठाया गया। अब देखिए सीधे आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद है, क्या क्या सस्ता हो